भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की एक बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित विभिन्न मंडलों के सभी जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के विकास और विस्तार सहित वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को भारी जीत की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री, गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। मैं सभी जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों की तरफ से माननीय धर्मपाल सिंह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। दो परसों ही माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी के साथ जिलाध्यक्षों की बैठक संत कबीर नगर में हुई थी। माननीय प्रभारी मंत्रीगण कम से कम आधा दिन अपने दौरे का संगठन को दें और आधा दिन जो सरकारी कार्य है उसके लिए खर्च करें। उसी निमित्त माननीय प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई। मेरा सौभाग्य है कि इतने सरल और सहज प्रभारी मंत्री हम सबको मिले हैं। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं आज ही आ जाता हूँ, आचल देता हूँ और बड़ा अच्छा हुआ कि जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों के बीच आप उपस्थित हैं। एक विनम्र आग्रह आप सबसे है, संयमित और मर्यादित भाषा में आप अपनी बात रख सकते हैं। जब आप अपनी बात रखेंगे तो इसका अवश्य ध्यान रखेंगे, अनुशासन और मर्यादा हम सबका उसी जो जिला प्रशासन जिला हुआ डॉक्टर हरीश से जिला महामंत्री कार्यक्रम चौपाल कार्यक्रम चौपाल कार्यक्रम के प्रबंध बीस सदस्य जिला अभिनंदन सिंह सजा नरेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष शेखर गुप्ता मंडल अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष इंद्रासन चौधरी मंडल अध्यक्ष संतोष मंडल अध्यक्ष पार्टी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राम मंडल अध्यक्ष भाषा जनार्दन श्रीवास्तव मंडल शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक साल सरकार थी, केंद्र की सरकार